नमस्कार, वैश्वपा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। मोहली रोड के बजरंग चौराहे पर मंदिर के निकट स्थित शराब के ठेके पर महिलाओं ने धावा बोल दिया, पत्थर और लाठियां खूब चलाई। विरोध के दौरान ठेका के अंदर से एक महिला पर बोतल फेंकने से महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। भीड़ ने प्रशासनिक अफसरों तक को घेर लिया, उनकी खूब फजीहत की। भुआ बिछिया में अग्रवाल महिला मंडल ने 5100 शिवलिंग को तैयार कर उसका महारुद्राभिषेक किया, साथ ही इसके बाद कन्याओं को भोजन कराकर सभी को प्रसाद वितरण किया गया। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की जान चली गई। इस पर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। चिकित्सक की गिरफ्तारी को लेकर NH-29 रोजा स्थित ओवर ब्रिज को जाम कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लगभग एक घंटे बाद किसी तरह कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खत्म कराया। एसटीएफ की टीम ने राजधानी में गुरुवार रात 7 पेट्रोल पंपों पर छापा मारा। जांच में पाया गया है कि कस्टमर्स को कम पेट्रोल दिए जा रहे थे। पेट्रोल पंप में चिप और रिमोट कनेक्ट करके इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। कस्टमर्स को 1 लीटर में 50 से 60 ml तक कम पेट्रोल दिए जाने की बात सामने आई है। एक पेट्रोल पंप इस चोरी से रोज एवरेज 40 से 50 हज़ार रुपये और महीने में 12 से 15 लाख रुपए कमा रहा था। पूरा देश आज हिंदुओं के पावन पर्व अक्षय तृतीया मना रहा है। इस मौके पर हिंदू आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग नए सामान के साथ साथ सोना, हीरा और अन्य आभूषण की खरीदारी करते हैं। इस पर्व को ध्यान में रखते हुए देश में सोने की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। बता दें कि अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था। रुपए में तेजी का सिलसिला जारी है। कारोबार सत्र में भी रुपए की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4 पैसा मजबूत होकर 64.11 पर, जबकि गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 64.15 के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की थी, उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 500-2000 रुपए के नए नोटों का उचित स्टॉक जुटा लिया था। हालांकि RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय मामलों की संसदीय समिति को बताया है कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए RBI और सरकार के बीच इस मसले पर हुई बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में 10 रुपए का नया सिक्का जारी करेगा। RBI ये सिक्का राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी करने जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय बैंक इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 5 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सेबी सहारा केस की हुई सुनवाई के दौरान खुद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने 1500 और 550 करोड़ रुपए के 2 पोस्टेड चेक कोर्ट को सौंपे। बता दें कि एक चेक 15 जून को और दूसरा 15 जुलाई का है। राय ने कोर्ट को एमबी वैली की नीलामी रोकने का अनुरोध करते हुए 30 अक्टूबर तक 5000 करोड़ रुपए चुकाने का वादा किया है। मेरे साथ व्यापार जगत से जुड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए विश्व व्यापार न्यूज। नमस्कार।